मेरा नाम यासिर हनीफ है। आज हम फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स जो है ये एक बहुत रिच कंसेप्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड्स के फ्लो के बारे में। फ्लूइड्स में लिक्विड्स और गैसेस शामिल हैं। इनके फ्लो को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम विस्कोसिटी के बारे में जानेंगे कि विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी जो है, जब भी कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो में हो तो उसकी जो लेयर जो एक दूसरे पे स्लाइड कर रही होती हैं और उस फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवा रही होती हैं, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है उसे हम विस्कोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है और उसकी जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं वो स्लाइड कर रही हैं एक दूसरे पर, और जो इंटर उसके दरमियान जो लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसे हम विस्कोसिटी से करस्पॉन्ड करेंगे। और विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूज करते हैं जिसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम एग्जांपल के तौर पे वाटर और हनी ले रहे हैं। हनी जो है, आप अगर देखें तो उसका फ्लो जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो उसका जो फ्लो है वो ज़रा डिफरेंट होगा। और अगर आप ड्रॉप का साइज देखें तो वो थिक से थिक होता चला जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन है उसकी वजह से वो सेपरेट नहीं हो रहा। लेकिन वाटर जो है उसके जो ड्रॉप्स हैं वो आपको सेपरेट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वाटर के जो मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स हैं उसमें जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होती है हनी के मुकाबले में। इसके अलावा जितने भी हमारे पास लिक्विड्स और गैसेस हैं सबके लिए डेफिनेट वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, यानी कि सब के सब जो हैं वो नॉन जीरो विस्कोसिटी जो है वो रखते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में जो फ्लूइड स्टडी करेंगे उन्हें हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं, जिनकी हम विस्कोसिटी जो है वो जीरो सपोज कर लेते हैं। इसके अलावा जब भी फ्लूइड जो हैं वो फ्लो में हो, अगर उनमें कोई ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो है उसे मूव करवाया जाए तो वो जो फ्लूइड जो है वो उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे कोई ड्रैग फोर्स लगाएंगे जो ड्रैग फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है वेलोसिटी वी के साथ, तो उस पर एक ड्रैग फोर्स अमल करेगी एफ, जो कि उस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसे हम स्टोक्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे 6 पाई जो है ये कांस्टेंट फैक्टर है, ईटा जो है वो उस फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कोरिस्पॉन्ड करता है, आर जो है वो स्फेयर का रेडियस और उसके साइज को रिप्रेजेंट करता है, और वी जो है वो वेलोसिटी है जिसके साथ वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड में मूव कर रहा था। इसके अलावा ये जो रिलेशन है इसमें आप देख सकते हैं जो फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, यानी कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ लो स्पीड्स के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी कि अगर वेलोसिटी एक खास हद से बढ़ जाएगी तो ये जो रिलेशन है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी जो है, अगर बाकी तमाम फैक्टर्स हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं तो ये रिलेशन फिर होल्ड नहीं करेगा, यानी कि हाई स्पीड्स पे जाके स्टॉक्स लॉ जो है उसका जो रिलेशन है वो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी नहीं रहता, बल्कि वी के जो है वो उसके जो पावर्स हैं उसके जो है ना अकॉर्डिंगली हमारे पास रिलेशन आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये जो रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ लो स्पीड कि पर ही एप्लीकेबल है, हाई स्पीड पे ये रिलेशन जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रैग फोर्स का सामना करेगा तो वो कोई टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अचीव कर सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि जी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रहा है और उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि उसका अपना वेट है जिसे हमने एम जी से रिप्रेजेंट किया है। स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो उसका अपना वेट है जिसे एम जी से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना शुरू करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, उस पर आप देख सकते हैं एक और फोर्स जो है वो एक्ट करना शुरू कर रही है, और वो जो फोर्स है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स है। स्टार्ट में ये जो ड्रैग फोर्स है ये कम होगी क्योंकि जो वेलोसिटी जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट की वो कम है स्टार्ट में, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, उसके साथ साथ ड्रैग फोर्स जो है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो हमारी जो नेट फोर्स है उसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, नेट फोर्स जो है वो इक्वल होगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स। यहाँ पर हम वेट को जो है वो पहले ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको माइनस करते हैं कि इसमें से ड्रैग फोर्स को, वेट को पहले लेने की वजह से
सिर्फ ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो वेट की डायरेक्शन में है, इस वजह से हम वेट जो है उसे पहले ले रहे हैं और जो हमारा जो ड्रैग फोर्स है उसे हम बाद में ले रहे हैं, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जी हमारी जो नेट फोर्स है वो किस तरह से डिफाइन की जाएगी, नेट फोर्स इक्वल होगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स। तो जी जब तक हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि ड्रैग फोर्स जो है और वेट जो है वो इक्वल नहीं है, नेट फोर्स को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम जब वेलोसिटी इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि हमारी जो ड्रैग फोर्स है वो बढ़ते बढ़ते वेट के बराबर आ जाएगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो हमारी जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि जो ड्रैग फोर्स है और जो वेट है उनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो जाएंगे और डायरेक्शन जो है वो लाजमी तौर उनकी डिफरेंट होगी। तो इस केस में हमारे पास जो है हमारी जो ड्रैग फोर्स है वो वेट के इक्वल है और इसे इस्तेमाल और स्टॉक्स लॉ को यूज करते हुए हम जो टर्मिनल वेलोसिटी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जिसके साथ ऑब्जेक्ट मूव करता है जब उसके ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो वेट के बराबर हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाती है, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी अचीव कर लेता है और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता चला जाता है। अब टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टॉक्स लॉ यूज़ करेंगे जिससे हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। अब यहाँ पे मास जो है वो उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कि हमारे फ्लूइड में मूव कर रहा है। अब ये जो मास है ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, इसलिए हम इस मास को रिप्लेस कर देते हैं डेंसिटी के साथ। तो जैसे हम क्योंकि हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो हम अगर हम डेंसिटी का रिलेशन यूज़ करें स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए और उसमें वॉल्यूम जो है उसे हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कंसीडर करें तो हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आ जाएगा जो कि है जी 2gr² ρ/9η। यहाँ पर रो जो है ये हमारे पास डेंसिटी है उस ऑब्जेक्ट की जो किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है, ईटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है हमारे फ्लूइड का और जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और आर जो है वो उस ऑब्जेक्ट के साइज को कोरिस्पोंड करता है जो किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है। अच्छा जी इसके अलावा ये जो सेम स्नैरियो है इसे आप जो है वो पैराशूट की मोशन के लिए भी देख सकते हैं जी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है एक जो है जो आदमी जो है उसने पैराशूट लेकर वो जो है वो एक प्लेन से जंप करता है और वो उसकी आप मोशन को देख सकते हैं, जैसे ही वो पैराशूट ओपन करेगा उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स अमल करना शुरू होगी और अगर उसका उसका जो अपना वेट है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगी तो वो जो पैराशूट के साथ जंप करने वाला आदमी है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्मूथली जो है वो नीचे की तरफ आएगा और उसकी लैंडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और जो है वो उसके लिए आसान होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्लूइड फ्लोस, फ्लूइड जो है वो किस तरह से फ्लो करता है, तो जी फ्लूइड्स के जो फ्लो है वो दो किस्म के हैं, एक को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं दूसरे को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। स्ट्रीमलाइन में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो किसी भी फ्लूइड की जो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ स्मूथ चलती हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पार्टिकल्स जो हैं स्ट्रीम लाइन्स में वो बहुत रिदम एक रिदम के साथ मूव करते हैं बिल्कुल जो है डिसिप्लिन में और उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी वो बिल्कुल स्मूथली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहेंगे जिसमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी किस्म की कोई नॉइस ना हो और ये जो फ्लो है ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। इसके अलावा जो दूसरी किस्म का फ्लो है उसे हम टर्बुल फ्लो कहते हैं और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें जो पार्टिकल्स हैं उसकी मोशन जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई, अब जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सेम फ्लो में जो है स्ट्रीमलाइन में फ्लो नहीं कर रहे, उसकी जो मोशन है वो डिस्टॉर्ट है, इसमें नॉइस बहुत ज्यादा होगा और ये जो फ्लो जो है ये क्लियर भी नहीं होगा। जैसे कि आप जो है देख सकते हैं जी हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के टैप दिखाए गए हैं, जो फर्स्ट वाला टैप है आप उसमें से देख सकते हैं जो वाटर का जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, स्ट्रीमलाइन है और आपको बहुत क्लियरली वो फ्लो नज़र आ रहा है, जबकि जो दूसरे फ्लो है उसमें आप देख सकते हैं नॉइस बहुत ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, ये जो फ्लो है ये हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है। इसके अलावा हम अपने फ्लूइड्स के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाते हैं और वो कंडीशंस वो हमारे फ्लूइड को जो है वो आइडियल फ्लूइड में चेंज कर देती है और वो जो कंडीशंस हम कुछ ये हैं कि जी हमारा जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी कि उसकी हम जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो जीरो सपोज करते हैं। इसके अलावा हमारा जो फ्लूइड है वो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज ना हो, यानी कि उसकी डेंसिटी हमेशा सेम रहे। इसके अलावा हमारा जो फ्लूइड है उसका जो फ्लो है वो स्टेडी होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। तो अगर कोई फ्लूइड जो है वो ये तीन कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो हम उसे आइडियल फ्लूइड जो है वो कहेंगे।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को करिस्पॉन्ड करती है और ये हमें फ्लो की कंटिन्यूटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि जी कितना फ्लो जो है वो वन साइड से एंटर हुआ है और सेकंड साइड से लीव कर रहा है उसमें कंटिन्यूटी है कि नहीं है, उसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एक इररेगुलर शेप का पाइप है जिसमें से जो है वाटर जो है या कोई भी फ्लूड जो आप सपोज कर लें फ्लो कर रहा है, लोअर रीजन पे उसकी वेलोसिटी v1 है, एरिया a1 है और अपर रीजन पे वेलोसिटी जो है वो v2 है और एरिया जो है वो a2 है। तो इसके लिए ऐसे सिस्टम के लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिफाइन कर सकते हैं a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यानी कि जो प्रोडक्ट है एरिया और वेलोसिटी का वो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ इससे हम ये भी ले सकते हैं जी कि वेलोसिटी और एरिया जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड होंगे, जहाँ वेलोसिटी कम होगी डेफिनेटली वहाँ पर एरिया जो है वो ज़्यादा होगा और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पर एरिया जो है वो कम होगा। इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम रेट ऑफ फ्लो भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम रेट ऑफ फ्लो कहते हैं और ये जो रेट ऑफ फ्लो है इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं किसी भी फ्लूड का जो वॉल्यूम जो एक रीजन से पास कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे हम रेट ऑफ फ्लो कहेंगे, यानी कि वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम जो है वो हमारा रेट ऑफ फ्लो है और ये इक्वल किसके होता है प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी के। इसके अलावा एक और एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं हमारे पास एक टैप है जिसमें से वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप अगर टैप उस फ्लो को देखें गौर से तो आप देख सकते हैं हमारे पास अपर रीजन में एरिया जो है वो ज़्यादा है और लोअर रीजन में जो है वो एरिया कम है। जैसे ही टैप से वाटर जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड नीचे की तरफ आते हुए बढ़ती चली जाएगी, तो उसका जो फ्लो का जो एरिया है वो अपर रीजन पे ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ स्पीड कम है और जैसे जैसे फ्लो वो जो वाटर जो है वो नीचे की तरफ आता चला जा रहा है आप देखते हैं उसका एरिया जो है वो कम होता चला जा रहा है और उसकी वेलोसिटी जो है जो कि v2 आपको नजर आ रही है वो ज़्यादा होगी v1 के अकॉर्डिंगली। इसी तरह से इसको इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इस्तेमाल करते हुए फायर फाइटर्स जो हैं वो अपने जो पाइप है उसके नोज़ल के एरिया को एडजस्ट करते हैं ताकि वो वाटर को जो है वो प्रॉपर जगह पर जो है उस सेट कर सकें ताकि वो उनको हेल्प करे आग को जो है ना वो ख़त्म करने के लिए बुझाने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट है जी हमारे पास बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन जो है वो किसी भी फ्लूइड फ्लो के दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिस्पॉन्ड करती है और इसको हम ये जो इक्वेशन है इसे हम ड्राइव कर सकते हैं अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करें इन टर्म्स ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम वर्क को एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे तो वो जो काम है वो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी में तब्दीली लेकर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जी अगर आप यहाँ पर हमारे पास एक फ्लूइड है जो कि लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन में मूव कर रहा है तो हमें लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन तक पहुँचाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा और जब हम वो काम करेंगे तो वो जो काम है वो इस फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेकर आएगा, तो जो वो जो चेंज है वो जो है वो काइनेटिक एनर्जी में भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी में भी होगा। काइनेटिक एनर्जी में इस वजह से क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी में इस वजह से क्योंकि हमारे पास हाइट जो है वो वेरी कर रही है, तो हम जब काम करेंगे उस फ्लूइड पे और उसे डिस्प्लेस करेंगे लोअर रीजन से अपर रीजन में तो जो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी और वो जो वर्क है वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अब अगर हम इस सिस्टम के लिए बर्नौली इक्वेशन को डिफाइन करें तो बर्नौली इक्वेशन को कुछ हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर तीन चीज़ें जो हैं उन्हें हम सम कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास प्रेशर है, दूसरे नंबर पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तीसरे नंबर पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर आप इन्हें सम करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर आएगा। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये भी लाजमी तौर पर प्रेशर को करिस्पॉन्ड करता है, लेकिन ये जो प्रेशर है ये स्पीड की वजह से होगा और सेकेंड जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो यूनिट वॉल्यूम है ये भी लाजमी तौर पर प्रेशर को करिस्पॉन्ड करता है, लेकिन ये जो प्रेशर है ये हाइट की वजह से जो है वो होगा, ग्रेविटी की वजह से जो है वो होगा, क्योंकि हम सेम क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं जी प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो
इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये तीनों जो है ये सेम फिजिकल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। और अगर आप जो है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यूज़ करें हाफ एम वी स्क्वेयर और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यूज़ करें एम जी एच, तो हमारे पास जो है जो रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, पी इज इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वेयर, रो जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी है, और इसी तरह से हमारे पास है जी जो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म रो जी एच, यहाँ पर रो जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं जी। सबसे पहले है जी हमारे पास स्पीड ऑफ एफ्लुक्स कैलकुलेट करने के लिए हम टॉर्च लाइट थ्योरम यूज करेंगे, और उसमें हमारे पास सिस्टम कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक वाटर टैंक है जिसमें पानी का जो है सर्टन हाइट के ऊपर जो है वो लेवल है H1 हमने उसे कहा है, और हमारे पास जो है टैंक में जो है ना लोअर साइड के ऊपर एक जो है एक होल हो जाता है, और आपने उस होल में से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में आपने उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, और वो जो स्पीड ऑफ एफ्लुक्स जो है उसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो उसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से वो हमारे पास H2 है, तो जो स्पीड ऑफ एफ्लुक्स है उसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्क्वेयर रूट 2gH1 - H2। यहाँ पर जो वाटर लेवल है अपर रीजन पे टैंक में और जो जहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो होल है उनके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है H1 - H2 वो इस रिलेशन में बहुत अहम है। जितना ये डिफरेंस कम होता चला जाएगा स्पीड ऑफ एफ्लुक्स जो है वो उतनी कम होती चली जाएगी, जबकि जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है वो दोनों केसेस के लिए अपर पोर्शन पे भी हमारा जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, होल के लिए भी वो जो है वो जो फ्लुक्स जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है उसके लिए भी हमारा जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। इसके अलावा बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो स्पीड और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करती है, जहाँ स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर जो है वो कम होगा, और जहाँ स्पीड जो है वो कम होगी प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। इसको सर्टन एग्जांपल से देख लेते हैं कि जी एरोप्लेन जो हैं वो जब एयर में फ्लो करते हैं तो उनके जो विंग्स के जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से किया जाता है कि जो एयर जो है इस तरह से डिफ्लेक्ट हो कि अपर साइड पर स्पीड जो है वो एयर के फ्लो की ज़्यादा हो और लोअर साइड पे जो एयर के फ्लो की स्पीड है वो कम हो। जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ हमारे पास स्पीड जो है वो ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम होगा। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एरोप्लेन को अपवर्ड डायरेक्शन में एक लिफ्ट मिलता है जो उसको एयर में स्मूथली फ्लो करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक दूसरी एग्जांपल है हमारे पास जिसमें एक बॉल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड के साथ साथ वो स्पिन मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। अब अगर आप इसकी स्पिन मोशन को देखें तो वो ये एयर में कुछ इस तरह से है कि जहां पर एयर और स्पिन मोशन जो है वो सेम डायरेक्शन में होगी वहां पर जो फ्लो की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी और स्ट्रीम लाइन जो है वो एक दूसरे के क्लोज होंगी और प्रेशर जो है वो लाजमी तौर पर कम होगा, जबकि जो लोअर पोजीशन है वहाँ पर अगर आप देखें तो जो स्पिन की जो डायरेक्शन है वो एयर की जो फ्लो की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो स्पीड है वो कम होगी और प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। अब ये जो बॉल है ये मूव करेगा एयर में कुछ इस तरह से कि जो हाई प्रेशर है वो इसको लो प्रेशर की तरफ मूव कर देगा, यानी कि जो बॉल है ये हवा में स्विंग होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी जो स्विंग जो है वो होती चली जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक और एप्लीकेशन है जी बर्नौलीज इक्वेशन की जिसको हम वेंट्री रिलेशन कहते हैं। ये हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम वेंट्री मीटर कहते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सर्टन रीजन में जो फ्लूइड की स्पीड है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए जो हम रिलेशन यूज़ करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जी प्रेशर डिफरेंस P1 - P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। ये V2 जो है ये वो स्पीड है जिसे हम मेजर करना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के रीजन है, एक जगह पर एरिया ज़्यादा है जिसको A1 से रिप्रेजेंट किया गया है और स्पीड V1 है। लाजमी तौर पर एरिया ज़्यादा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग, तो स्पीड जो है वो कम होगी, लेकिन ऐसा रीजन जहाँ पर एरिया कम है वहाँ स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, और यही स्पीड जो है ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको ये जो इरेगुलर शेप की ट्यूब है या इसमें दो जो है ना मुख्तलिफ पोजीशंस नज़र आ रही हैं, अपर साइड पे जो है वाटर कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ये जो वाटर कॉलम्स हैं इनके जो डिफरेंसेस हैं ये प्रेशर डिफरेंसेस को करस्पॉन्ड करते हैं। जहाँ पे वाटर कॉलम जो है वो ज़्यादा है
वहाँ पर आप देख सकते हैं जो है वो प्रेशर जो है वो P1 होगा, और जहाँ पर जो है वो वाटर कॉलम जो है वो लोअर है वहाँ पर प्रेशर जो है वो हमारे पास P2 है। ये जो और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस H है उसको इस्तेमाल करते हुए हम प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और देन हम स्पीड जो है फ्लो की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो भी जो है वो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन होता है, और इसमें हम कुछ सिंपल सी कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो कि हम वाटर और ब्लड को जो है वो कंपेयर करती हैं। जैसे कि जी जो हमारे ब्लड की जो डेंसिटी है वो नियरली वाटर की डेंसिटी के इक्वल है, जबकि जो जो है वो विस्कोसिटी जो है वो ब्लड की वो वाटर के लिहाज से 3 to 4 5 टाइम्स होती है। इसके अलावा जब ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में मूव करता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो उस उनमें जो प्रेशर जो है वो वेरी करता रहता है, यानी कि वो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिजिड नहीं हैं बल्कि उस वो जो है वो एक्सपैंड भी कर सकती हैं और कंप्रेस भी कर सकती हैं। तो जी यहाँ से हम अपनी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो मेजर कर सकते हैं। जो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर जो है वो किसी भी नॉर्मल बॉडी के लिए वो हमारे पास 120 टोर है, जिसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो लोएस्ट प्रेशर है ह्यूमन बॉडी के लिए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए वो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर है जो कि 75 to 80 टोर होता है एक नॉर्मल बॉडी के लिए। टोर जो है ये हम जो है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो है यूनिट यूज़ करते हैं, और वन टॉर जो है वो 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर के इक्वल होता है।